Okay, so new chapter, price determination and simple application. हमें इस chapter को अच्छे से समझना होगा. अब इस chapter में आपके लिए जो main चीजें दिमाग में रखनी है, सबसे पहला और सबसे important point एक होगा आपके लिए बेटा, वो है market equilibrium का. Market equilibrium का topic. अब actual में ये होता क्या है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा concept बताता हूँ. बेटा let's suppose ये सप्लायर है और बेटा लेट सपोज ये कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है, जो भी आपको समझना हो. बेटा एक बात बताऊं, सप्लायर मार्केट में गुड्स की सप्लाई करता है और कस्टमर उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करता है यानी खरीदता है. मानते हो इस बात को सारे बच्चे? ओके. अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं आप लोग को इस चैप्टर के अंदर समझाने क्या जा रहा हूं. पूरा एक स्ट्रक्चर समझना है, एक स्ट्रक्चर समझने के बाद फिर हम जाके इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. अगर तुम लोग ध्यान से देखो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था डिमांड, याद है? अच्छा, और डिमांड बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते थे? ईदर कस्टमर और वी कैन से दैट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, ठीक है? तो बेटा ध्यान से समझोगे तो कंज्यूमर किसी कमोडिटी की क्या करता था? डिमांड करता था, राइट? और बेटा वो कमोडिटी कहां अवेलेबल होती थी? मार्केट में. क्या इसके लिए हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर पढ़ा था? ओके. बेटा मार्केट में ये गुड्स आता किस क्यों मतलब आता कैसे है? सप्लायर या फिर सप्लाई के थ्रू. तो क्या हमने सप्लाई चैप्टर भी पढ़ा था? ओके. और बेटा सप्लाई होती क्यों थी? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता था? इन गुड्स की प्रोडक्शन करता था, राइट? और इसीलिए हमने प्रोडक्शन चैप्टर भी पढ़ा था. ओके, यहां तक सारे बच्चे क्लियर हैं? ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना. जरा हमें समझना है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है. बेटा हमें समझना है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है. तो बेटा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल. और इक्वल बेटा कब होगा? जब आपके मार्केट के अंदर की सप्लाई किसके इक्वल होगी? डिमांड के इक्वल होगी. यह बात सबको समझ में आ रहा, ठीक है? So if supply is equal to demand, that will be the situation for equilibrium. Clear सारे बच्चे? अच्छा, but let's suppose supply is greater than demand. क्या मैं इसको excess supply की situation बोल सकता हूं? And if demand is greater than supply, क्या मैं इसको excess demand बोल सकता हूं? यहां तक सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे ठीक है? ओके ठीक है. तो ये तो हो गया बेटा चैप्टर का एक ओवरव्यू कि हमें इस चैप्टर के अंदर समझना कैसे था. तो बेसिकली हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा इस टॉपिक पे जो है मार्केट इक्विलिब्रियम, और इसी के बेसिस पे हमें चैप्टर की प्राइस डिटरमिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है? कि प्राइस में चेंजेस आने पे कैसे कैसे इक्विलिब्रियम चेंज होती है. जरा मैं आप लोग को एक छोटी सी वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. सो बेटा इक्विलिब्रियम कब होगा? जब डिमांड किसके इक्वल होगी? सप्लाई के. बेटा एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ओके. और बेटा एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या अभी हमने समझा है? ओके, सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट तक यहां तक क्लियर है अच्छे से? सारे बेटा जी सारे? ओके ठीक है. अब जरा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखना बेटा. एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है? अब मैं आप लोग के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे कि ये किस चीज का कर्व है. बेटा ये अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये किस चीज का कर्व है? डिमांड या सप्लाई?
किसका कर्व है बेटा ये? डिमांड कर्व है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं। अच्छा एक और पॉइंट बता बना रहा हूं, उसको भी समझना जरा। तो अगर ये डिमांड है तो बेटा फिर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ये किस चीज का कर्व हो गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या क्या बेटा, क्या चीज? क्योंकि बेटा, अरे ये तुम कैसे भूल गए भाई, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस अपवर्ड होती चली जाएगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम होती चली जाएगी ना, और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी ना। अभी याद आया? अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो बेटा एक बात बताओ, कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं? अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो सर, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई यानी इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो? सारे बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं? ओके चलो ठीक है, अब तुम लोग एग्री कर रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जरा आगे की इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो लेट सपोज ये इक्विलिब्रियम है बेटा, बट इसके बाद सप्लाई आपकी इंक्रीज नहीं हुई लेकिन डिमांड आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। आप लोग देख रहे हो मैंने एक शेडेड पर्पल कलर में शेड किया है, तो आप लोग अगर देखो तो इक्विलिब्रियम के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना जरा बेटा, डिमांड कब इंक्रीज होती है? जब प्राइस प्राइस डिक्रीज होता है। मतलब तुम लोग ऐसा कहना चाह रहे हो क्या कि सर प्राइस P1 से P2 हो गया यानी कम हो गया तो इसलिए हमारी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, यही बोलना चाह रहे हो? तो बेटा ये जो मैं शेडेड ये जो लाइन पोर्शन बना रहा हूं, ठीक है, इस पोर्शन को पता है क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्या चीज? एक्सेस डिमांड, बिकॉज हियर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। क्लियर एवरीवन? सारे ठीक है? ओके दूसरा पॉइंट बेटा, सपोज करो इक्विलिब्रियम पे आने के बाद डिमांड कांस्टेंट रही बट आपका क्या इंक्रीज हो गया बेटा? सप्लाई। और बेटा एक बात बताओ, सप्लाई क्यों इंक्रीज होता है? नहीं, सप्लाई प्रोड्यूसर कब ज्यादा सप्लाई करता है? जब प्राइस, बात समझ में आई जयंत? ठीक है सारे बच्चे क्लियर है इस पॉइंट से? तो बेटा ये जो मैं लाइनिंग पोर्शन यानी ये जो शेडेड पोर्शन बना रहा हूं, तो फिर मैं इस शेडेड पोर्शन को क्या बोलूंगा? एक्सेस सप्लाई। क्यों? क्योंकि यहां पर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। क्या अभी सारे बच्चों को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? सारे जवाब देंगे? ओके बाकी सबको भाई अभी भी सबके जवाब नहीं आए? अच्छा अच्छा आए आए, अच्छा ओके ठीक है। सो इसी के बेसिस पे बेटा अब हम अपना इसका थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, तो पहले मैं आप लोग को एक शेडेड पोर्शन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। सो मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पॉइंट विच हैज कम टू एस्टेब्लिश अंडर अ गिवन कंडीशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई has a tendency to stick at a level where demand is equal to supply. बड़ी टफ इंग्लिश लगी, लगी कि नहीं लगी? महंगी इंग्लिश लगी कि नहीं लगी? बहुत महंगी, अनअफोर्डेबल, बट हम इसको बड़े ही इजली तरीके से समझ सकते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम? सर मार्केट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन where demand of the commodity is equal to the supply of the commodity. That means whenever in the market demand is equal to supply, then that situation will be known as what? Clear, sir, बच्चे?
अच्छा, सिंस ये आप लोग को काफी महंगी इंग्लिश लगी थी, तो इसी बात पे जरा आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लैंग्वेज नोट कर ले बेटा, ठीक है? कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, मेरे साथ साथ नोट करेंगे बेटा। सो मीनिंग लिखवा रहा हूं आप लोग को, आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बिकम इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। सो व्हेन डिमांड कर्व इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्लियर सारे बच्चे? क्लियर एवरीवन? नोट कर लो बेटा। सारे बच्चे नोट करेंगे बेटा जी। डन एवरीवन? ओके। अब बेटा इसी के बेसिस पे आप लोग को एक टेबल प्रिपेयर करनी होगी, जो टेबल आप लोग को दिख रही है। हालांकि पहले मैं इस टेबल को समझा देता हूं बेटा, बस कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान से समझना बेटा, जो जरूरी चीज है ना। एक बात बताओ, प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज? ओके। और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज? ओके, ठीक है। अब जरा नोटिस करना बेटा आप लोग को कुछ कुछ चीजें, एक सेकेंड देना जरा। प्राइस बेटा 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब डिमांड क्या होगी बेटा? हमने इसको क्या कर दिया, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू इस हिसाब से ली गई है, सो दैट आपको इसको लर्न करना काफी इजी हो जाए। और बेटा प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई, इसीलिए बेटा हमने सप्लाई रख ली 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर सारे बच्चे ना? हाँ बेटा पूछो। तुम अगर प्रोड्यूसर हो, ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर या कस्टमर? प्रोड्यूसर। लेट्स से तुम प्रोड्यूसर हो, तो ऑब्वियसली तुमको प्रॉफिट कमाना है या सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है? कम प्राइस पे बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, या ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सामान बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा? तो मिलेगा, इसीलिए आप 1 रुपए पे सिर्फ 1 यूनिट बेच रहे हो, लेकिन जब प्राइस 5 रुपए हो गई ना, तो आप 5 यूनिट बेच रहे हो। तुम अगर देखो तो अगर 1 रुपए था, 1 यूनिट सप्लाई कर रहे हो, तो आपको मिलता है 1 रुपए। लेकिन अगर आपका प्राइस 5 रुपए हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से आपको कितना पैसा मिल रहा है, 25 रुपए प्रॉफिट हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, अब मेरे पास जरा ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे बेटा इस चीज पे, ठीक है, फोकस करना जो समझा रहा हूं। डिमांड एट प्राइस 1, डिमांड इज 5, सप्लाई इज 1। बेटा ये कैसी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई? एक्सेस डिमांड, बिल्कुल ठीक बात बोली है सब बच्चों ने, ठीक है। दूसरे केस में बेटा डिमांड 4 यूनिट्स की है व्हेन प्राइस इज 2, और सप्लाई 2 यूनिट्स की है। अभी भी ये कैसी सिचुएशन दिख रही है आप लोग को, एक्सेस डिमांड, चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है। बेटा प्राइस 3 रुपीज हो गई, जिसकी वजह से डिमांड आपकी 3 है और सप्लाई भी 3 है। नाउ दिस इज व्हाट
इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सारे बच्चे क्लियर है बेटा इस बात से? सारे ठीक है? ओके अच्छा, अब उसके बाद नोटिस करना बेटा जरा, ठीक है? उसके बाद नोटिस करने के लिए हम ये वाली इंक ले लेते हैं। प्राइस टू रुपीज है, सॉरी प्राइस फोर रुपीज हो गई, तो आपकी डिमांड कम होकर के टू यूनिट्स पे आ गई, लेकिन आपकी सप्लाई बढ़ गई बेटा। नाउ दिस इज व्हाट, ये कौन सी सिचुएशन हो गई? ओके, एंड सेम एज अगर आपकी प्राइस और इंक्रीज हो गई, तो आपकी डिमांड और डिक्रीज हो गई, बट सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब ये कैसी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे? ठीक है, सो दिस सिचुएशन शोज दैट। अब ध्यान से देखना, मैं आप लोग को कुछ लिखवा रहा हूं, उस चीज को नोट कर लेना बाद में जब इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? सो यानी स्टार्टिंग टू फेज में बेटा, यहां पर आपको सिचुएशन शो कर रही है एक्सेस डिमांड, व्हेन प्राइस इज थ्री सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है? तो ये आपकी हो गई इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन प्राइस फोर एंड फाइव आपकी डिमांड कम हो गई सप्लाई ज्यादा हो गई, सो दिस विल बी नोन एज एक्सेस सप्लाई। टेबल क्लियर है सब बच्चों को? टेबल प्रिपेयर करो बेटा, जल्दी से इस टेबल को बनाओ सारे बच्चे। इसका डायग्राम है ना, हाँ जल्दी से बनाए बेटा। जल्दी करेंगे बच्चों, नहीं नहीं नहीं, नहीं मतलब नहीं, आज सच इतना जरूरी नहीं है। ओके, जल्दी जल्दी नोट करेंगे बच्चों। उमर बेटा इतना लेट क्यों? अच्छा, अभी इसकी वीडियो जब शेयर करूंगा बेटा, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है? ध्यान रहे बेटा, ये चैप्टर सिलेबस का लास्ट है, ठीक है? इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उमर या जो बच्चे जो लेट ज्वाइन किए थे या जिनकी क्लासेस मिस हुई थी, बेटा रिवीजन सीरीज कोई मिस नहीं करेगा, हर एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा मैं। अच्छा, नोट हो गया बेटा सब बच्चों का ये टेबल? ओके, अब बेटा अच्छा सब बच्चों का हो गया ना? ठीक है उमर, तुम स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में नोट कर लेना। ओके, आप लोग को बनाना है बेटा ये डायग्राम। ये डायग्राम बनाया आप लोग, उसके बाद हमें इस डायग्राम पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझना है, एंड देन उसके बाद हम अदर कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई समझा बेटा, जिसमें एक्सेस डिमांड क्या बोलता है कि एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है कि आपकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। तो जैसा कि अगर मैं मान लो इस डायग्राम को ए कंसीडर करता हूं, इस डायग्राम को बी कंसीडर करता हूं, तो जो हमारा ए डायग्राम है उसके अंदर अगर आप देखो, तो यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आया, उसके बाद सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज हुई है? डिमांड। और सिंस अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है सप्लाई से ज्यादा है, तो बेटा वो जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को मैं इसीलिए क्या बोल दूंगा, बेटा
बेटा ये जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन शेडेड पोर्शन, इस पोर्शन को मैं क्या बोल दूंगा, एक्सेस डिमांड। क्लियर एवरीवन? और सेम एज अगर आपके डिमांड और सप्लाई इक्वल होने के बाद, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद डिमांड इंक्रीज नहीं हुई बट सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो बेटा जो सप्लाई इंक्रीज हुई है वो शेडेड पोर्शन के थ्रू। सप्लाई क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा। तो बेटा दिस शेडेड पोर्शन इन डायग्राम बी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेस सप्लाई। क्या सारे बच्चों को अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा? बेटा सब बच्चों को ओके ठीक है। अब ना हमें ये समझना है कि ये सिचुएशन आती ही क्यों है, मतलब ये सिचुएशन मार्केट में होता ही क्यों है। जरा ध्यान से सुनना और मुझे बताना क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। देखो सपोज करो, कभी तुम लोग ने सुना है बेटा कि मार्केट में ये अनियन और ये टोमेटो के प्राइस सडनली बहुत इंक्रीज हो जाते हैं? अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? हालांकि इसके इंप्लीमेंटेशन अभी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट आप ना एक बार वो समझ लो मतलब सिचुएशन क्या हो सकती है। अगर आप नोटिस करो तो बेटा वो सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम है और लोगों की डिमांड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई ऑब्वियसली पार्ट है, सप्लाई इसलिए कम है बेटा क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो बेटा डिमांड जो ज्यादा है उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सेस डिमांड। अब यहां पर ना बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा कन्फ्लिक्शन पॉइंट आता है कि सर लेकिन प्राइस तो बढ़ी हुई है तो डिमांड कैसे ज्यादा हो गई? यह आया किसी के दिमाग में? अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक्चुअल में जब एक्सेस डिमांड हो जाता है, यानी आपकी सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, ये सिचुएशन जब आ जाती है ना तब प्राइस को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है ताकि लोगों की डिमांड कम की जा सके। बात समझ में आई? सो दैट हम वापस से किस कंडीशन में आ सके, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सके। बात समझ में आई? ठीक है, सेम एज अब मैं तुम लोग को बताता हूं एक्सेस सप्लाई कब होता है। अच्छा एक बात बताओ, आई डोंट नो इस टाइम का फैशन क्या चल रहा है, बट तुम लोग ने देखा ये लोफर शूज और गर्ल्स के लिए वो बेली बेली शूज आते थे जिनकी मार्केट में गजब की डिमांड हुई थी, ऐसा कुछ याद है? लोफर और स्नीकर्स इन सब, ऑब्वियसली भाई तुम लड़कियों के बेली क्यों पहनोगे, तुम्हें अपना ही तो पता होगा ना, है ना? ठीक है, सो स्नीकर्स शूज या फिर आपके ये लोफर शूज की डिमांड जब बहुत ज्यादा हुई थी बेटा एक टाइम पे, तो आपने ये चीज देखा था कि मार्केट में गजब की सप्लाई हुई थी इन सब प्रोडक्ट्स की, ये बात पता है आप लोग को? बेस्ट एग्जाम्पल, एक बात आप लोग से पूछता हूं, रिलेट भी कर पाओगे। इस टाइम पे, पहले के टाइम पे बेटा मास्क जो हम मास्क वेयर करते हैं इस टाइम पे, पहले के टाइम पे मास्क ना वही ब्लू कलर के ब्लैक कलर के यही मिलते थे। क्या आज के टाइम पे मास्क डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइंस, डिफरेंट फैशंस के आ चुके हैं? अब देखो बेटा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज दिख रही है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, तो क्या सप्लायर अब यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा? तो बेटा इस टाइम पे सप्लायर क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स यानी मैक्सिमम क्या करना चाहेगा, प्रोडक्शन, सो दैट वो मैक्सिमम सप्लाई कर सके। अब पॉइंट यहां पर आता है सर, प्राइस इंक्रीज का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? एक बात बताओ, शुरुआत में जब सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो जब शुरुआती फेज में सैनिटाइजर्स की डिमांड एक झटके में इंक्रीज हुई थी, तो उस टाइम पर बेटा आप लोग ने ये चीज पता है कि जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सैनिटाइजर्स का बहुत मैक्सिमम प्रोडक्शन किया था, क्योंकि उस टाइम पे बेटा प्राइस ज्यादा प्राइस पे वो बेच सकते थे, तो क्या सप्लायर अपनी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा कि नहीं? बात समझ में आई कि एक्सेस सप्लाई कब होता है? ठीक है, सो दीज आर द टू सिचुएशन जहां पर एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है, बट इन दोनों सिचुएशंस में आपकी कंट्री यानी आपकी जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट होती है।
इसीलिए हमें हमेशा कौन सी सिचुएशन चाहिए बेटा, मार्केट की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन चाहिए। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब ये बताओ ये सारे जितने तीन कॉन्सेप्ट हमने मेजर समझे, तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं?